तो हे गाइस, जैसा कि तुमने थंबनेल में देख रखा है, आज हम बात करने वाले टॉप 3 बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में, जो कि आएंगे अंडर 10K रेंज और लिटरली उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बीस्ट निकल के आने वाला है। उनमें अगर तुम गेमिंग करते हो ना, तो लिटरली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें एक फ़ोन हमारा 5G भी है और वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो लिटरली गाइस, सारे ही फोन्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बीस्ट है, और ये सब मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में बता रहा है, क्योंकि मैं खुद एक लो बजट फ़ोन में खेलता हूँ जो कि नंबर 1 पे, लेकिन सीधा नंबर 1 पे मत जाना, क्योंकि नंबर 1 से भी बेस्ट नंबर 2 और नंबर 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी नंबरिंग मैंने ऐसे नहीं किया है, परफॉर्मेंस और बेस्ट को लेकर के मैंने रैंडम नंबरिंग की है। लेकिन तीनों ही फ़ोन आपस में बीस्ट है, बेस्ट है 10K के अंदर, ठीक है, बजट फोन से, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट है गेमिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोन नंबर 1 से। तो फोन नंबर 1 जो है हमारा, वो है इनफिनिक्स हॉट 12 5G, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट गेमिंग फोन है। और इसके अंदर बात कर ली जाए प्रोसेसर की, तो वो मिल जाती है तुम्हें G88, जो कि काफी अच्छा एक वेल ऑप्टिमाइज गेमिंग प्रोसेसर है। और इसके अंदर 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को तुम्हें मिल जाता है, 50 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ साथ में इसके अंदर तुम्हें लेदर फिनिश के साथ 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W फास्ट चार्जिंग, जो कि इस फोन को काफी ज्यादा बेस्ट नहीं बीस्ट बना देता है। लेकिन अभी सबसे मेन बात आती है कि क्या इसको गेमिंग के लिए लेना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है, तुम ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप BGMI और PUBG की बात कर ले, तो ग्राफिक सपोर्ट तुम्हें मिल जाता है स्मूथ पे अल्ट्रा और HD पे हाई तक, ठीक है। लेकिन जो मेरा लिस्ट में और भी फोन्स आने वाले हैं, उसके अंदर और भी वेल ग्राफिक सेटिंग और वेल अच्छे प्रोसेसर भी मिलने वाले हैं, लेकिन ये फ़ोन 5G है। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि तुम इसको 5G में चला सकते हो बहुत ईजिली, और इसमें इंडिया के 5G सपोर्ट भी करते हैं। तो लिटरली अगर तुम चाहो तो इनफिनिक्स हॉट 12 5G को ले सकते हो, वरना नंबर 2 फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा टेक्नो पोवा 4G, ठीक है। ये फोन जो है स्पेशल फॉर गेमिंग बनाया गया है, गेमिंग पर्पस के लिए है ये फोन, और ये फोन काफी ज्यादा बेस्ट गेमिंग प्रोवाइड भी करता है हमें। इसका अगर मैं पर्सनली टेस्ट करके बात करूँ ना, तो मेरे एक दोस्त के पास ये फोन था, उसने खरीदा था, और लिटरली मैंने इसके अंदर गेम खेल करके देखा है, मुझे अपने फोन से भी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस लगी थी इसकी एक टाइम पे। और अब बात कर ली जाए इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो तुम्हें इसके अंदर मिल जाता है 90Hz का डिस्प्ले, जो कि काफी स्मूथ गेमिंग देता है, 6000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, जो कि सच में काफी लॉन्ग है। इसको यूज करोगे ना तुम इजिली 6 से 7 घंटे बहुत इजी गेम खेल सकते हो विदाउट एनी चार्ज में लगाए हुए, ठीक है। और बात कर ली जाए साथ साथ में इसमें कैमरा की, तो 50 MP का कैमरा तुम्हें देखने को मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और साथ साथ में इस फोन के अंदर तुम्हें मिल जाता है देखने हीलियो का लेटेस्ट G99 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है गेमिंग के लिए अंदर, और लो बजट फ़ोन जो कि लैग काफ़ी ज़्यादा हद तक फिक्स कर देता है, लगभग लैग ख़त्म ही कर देता है, इतना ज़्यादा बेस्ट ये प्रोसेसर होने वाला है। तो लिटरली तुम अगर ये फ़ोन लेना चाहते हो तो तुम बिल्कुल ले सकते हो। इसके अंदर तुम्हें ड्यूअल स्पीकर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि गेमिंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और बात कर ली जाए इसके अंदर की BGMI PUBG ग्राफिक्स के बारे में, तो इसके अंदर तुम्हें ग्राफिक सपोर्ट मिल जाता है स्मूथ पर, अल्ट्रा का सपोर्ट, और साथ साथ में HD पे हाई का सपोर्ट। लेकिन ये फोन जो है इससे ज्यादा बेस्ट ग्राफिक डिजर्व करता है, क्योंकि ये 60 FPS अगर तुम इसके अंदर इनेबल कर लेते हो, आई डोंट नो हाउ करते हो, लेकिन अगर कर लेते हो तो ये 60 FPS भी काफी अच्छा से चला के दे देता है, मिनिमम ये 50 FPS तो दे ही देता है अगर 60 FPS तुम इनेबल कर लेते हो इसके अंदर। तो लिटरली ये फोन भी तुम चाहो तो 10K के अंदर बहुत बेस्ट फोन है, तुम इजिली जाके ले सकते हो, और तुम थोड़े डील्स एंड ऑफर्स लगा करके इसको 9000 तक में भी ले सकते हो। तो सोच सकते हो 9000 के अंदर तुम्हें काफी अच्छा 6000 mAh बैटरी, 50 MP कैमरा, और साथ साथ में स्मूथ एक्सट्रीम गेमप्ले वाला फोन मिल जा रहा है 90Hz डिस्प्ले वाला, तो और क्या ही चाहिए। और लिटरली गाइस, अब फाइनल टाइम आ चुका है हमारे लिस्ट के #1 नंबर फोन को रिवील करने का, बता देने का। तो लिटरली ये फोन को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और इसी वीडियो को मैं इस फोन के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम इस वीडियो को इस फोन से रिकॉर्ड करने के बाद ही देख रहे हो। ये फोन और कोई नहीं है, द वन एंड ओनली रेडमी नोट 10S है, जो कि लिटरली गेमिंग के लिए बेस्ट ही नहीं बीस्ट फोन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बाय डिफॉल्ट PUBG में स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग देखने को मिल जाती है, HDR तक तुम्हें यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट मिल जाता है अल्ट्रा के साथ, और सीरियसली इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना हीलियो G95 का, वो आर्क प्रोसेसर, वो जेयर प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर जैसा कोई प्रोसेसर ही नहीं है फिलहाल। आई मीन टू से कि ये 10K रेंज के अंदर का काफ़ी ज़्यादा बीस्ट प्रोसेसर है, इसके जैसा और कोई प्रोसेसर मिलेगा ही नहीं तुम्हें 10K रेंज के अंदर, जो इतना अच्छा बेस्ट गेमिंग को चला दे पर्सनली
पर्सनली मैं इसको यूज करता हूँ। और अगर तुम Redmi Note 10s को अपडेट नहीं करते हो ना तो सीरियसली तुम इसके अंदर स्मूथ पे 60fps में काफी ज्यादा बेस्ट गेमिंग कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें 55fps या उससे ऊपर देखने को इजिली मिल जाता है। और लिटरली गाइस अगर हम बात कर ले इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें तुम्हें सिंपली सबसे पहले तो 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा प्राइम कैमरा मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट एंड ब्राइट फोटो खींच के देता है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है इसका। और साथ साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पे 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी विद 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो कि काफी अच्छा फोन को चार्ज कर देती है और बहुत जल्दी चार्ज कर देती है। लगभग 1 hour and 30 minutes में तुम्हारा फोन फुल चार्ज हो जाता है और क्या चाहिए यार। और साथ साथ में इस पर डिस्प्ले 60Hz की दी हुई है लेकिन पूरे 60Hz सपोर्ट भी करता है ये फोन। काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है ये फोन। और लिटरली ये थे हमारे जो आज के लिस्ट के टॉप 3 फोन थे जो अंडर 10 के रेंज आते हैं और सीरियसली लो बजट फोन है लेकिन काफी ज्यादा बेस्ट नहीं बीस्ट फोन है। क्योंकि ये फोन जो ले लिया ना सीरियसली अगर वो 10K के अंदर का फोन ले रहा है और ये फोन ले लिए तो उसको कोई हरा नहीं सकता है, चाहे वो 15K वाला हो चाहे 20K वाला हो। उसके ऊपर वाले ही फोन होंगे तो उनका बात बनेगा वरना नीचे वालों का तो बस की बात नहीं है, इनको हरा देना, ठीक है। काफी ज्यादा बेस्ट फोन है ये। और लिटरली आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तुम्हें ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेवनाड़ा।